और सीधे हम आपको ले चलते लखनऊ, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। अगर योग की सभी क्रियाओं को इसके साथ जोड़ दिया जाए, यानी योग की क्रिया आसन के साथ तो आपने किया ही, इस सूर्य नमस्कार के साथ हम प्राणायाम को जोड़ें, इसके साथ हम मुद्रा और बंध को जोड़ें, तो उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा और यह हम सबको उतना ही अधिक लाभान्वित भी करेगा। बच्चों के लिए योग तो और भी आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है, कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है इसके तीन पार्ट हैं, हम इसके एक बहुत छोटे से हिस्से का उपयोग कर पाते हैं, और वह भी कितना चलायमान होता है। अभी आप कुछ सोच रहे हैं, उसी क्षण कुछ और दूसरी बात आपके मन में आ जाती है, उसी क्षण कुछ तीसरी बात आपके मन में आ जाती है, यानी मन की जो वृत्ति है वह बहिर्मुखी है, बाहर भागता है। योग उस बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी करता है, लेकिन मन का जो भाग है यह चेतन मन कहलाता है, यह चेतन स्थिति में है। इससे भी दो और भाग हैं मन के, एक अवचेतन स्थिति है, आपने किसी चीज को देखा, आपने कोई पाठ पढ़ा, आपने कोई पुस्तक पढ़ी, आपने अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को देखा, आप उसमें रुचि लेते हैं, वह जो भी संचय होता है वह अवचेतन मन में हो जाता है। जब आप स्मरण करते हैं, आपका कोई पुराना मित्र मिलता है, आप अचानक उसको देखते हैं, आपको याद आ जाती है कि मेरा पुराना मित्र है। यह स्मृति जिस मस्तिष्क में संचित होती है वह अवचेतन स्थिति है, लेकिन चेतन मन से इसका हिस्सा थोड़ा और विराट है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि आप इस, यानी जो मेमोरी आपकी है वह अवचेतन स्थिति में आपको संचित करता है, उसमें उसको पूरी गतिविधियों को उसमें एक साथ जोड़ करके रखता है, लेकिन उससे भी बड़ा भाग आपका अभी भी मस्तिष्क का ऐसा है जिसका कोई उपयोग आप नहीं कर पाते। इसके बारे में हमारा शास्त्र कहता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी आपके शरीर में वह सब कुछ मौजूद है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, और उस मौजूदगी का एहसास कराता है आपका अचेतन मन। यानी जन्म जन्मांतर के सभी रहस्यों को, ज्ञान विज्ञान के सभी उन पहलुओं को आपके मस्तिष्क में पहले से ही वह संचित है, लेकिन उसका कभी उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। योग और अध्यात्म के क्षेत्र में जितनी अधिक रुचि कोई व्यक्ति लेगा, जितनी अधिक गहराइयों में जाएगा, अपने अचेतन मन को सक्रिय करके वह उस ज्ञान और विज्ञान के यथा सागर में डुबकी लगा करके उससे प्राप्त कर सकता है, और योग की उस स्थिति को प्राप्त करना, उसीलिए इसको योग समाधि कहा है। यानी जहां पर व्यक्ति के लिए जन्म और मरण, सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सब से ऊपर उठ करके जो एक स्थिति है वह अचेतन मन की है, उस स्थिति को प्राप्त करना मुझे लगता है कि एक साधक के लिए कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं, और उसको संभव कर सकता है। और भारत का अध्यात्म उस मार्ग को प्रदर्शित करता है, भारत का अध्यात्म ही उस मार्ग का, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। मुझे विश्वास है कि योग में आप रुचि लेकर के भारत की उच्च आध्यात्मिक परंपरा को यूएनओ के मुख्यालय में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आप करेंगे, इसको और अच्छा प्रदर्शन किए जाने की आवश्यकता है और अच्छा प्रैक्टिस किए जाने की आवश्यकता है। 72 सदस्य जो टीम यहां से जाए, जब वहां पर सूर्य नमस्कार या किसी भी योगिक क्रिया को करे, एक तारतम्यता दिखिए, उसमें आप योगिक क्रिया के साथ साथ प्राणायाम के साथ अगर आप उसको जोड़ सकें, योगिक मुद्रा और बंधों के साथ उसको जोड़ेंगे, तो वह उतनी ही अधिक प्रभावशाली होता हुआ दिखाई देगा। और मैं सीएमएस को इस बात के लिए भी आमंत्रित करूंगा कि हम सबका सौभाग्य है कि इस वर्ष
यानी जहां भारत की इस प्राचीन योग की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है और इस वर्ष वो सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने वाले योग महोत्सव के विशेष कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी का सानिध्य उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ प्राप्त होगा। रमाबाई अम्बेडकर मैदान में 21 जून को प्रातः होने वाले कार्यक्रम में लगभग 55,000 योग साधक वहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ योग की क्रिया के साथ सहभाग बनेंगे। एक अद्भुत क्षण होगा और मैं चाहूंगा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जितनी भी ब्रांचेस यहां पर हैं उनके बच्चों का अभ्यास वे लोग कराएं। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके पूरे अभ्यास के साथ, क्योंकि जो 55,000 लोग प्रधानमंत्री जी के साथ योगिक क्रिया को संपन्न करेंगे तो उसमें भी एक तारतम्यता दिखनी चाहिए और वह एक अद्भुत नजारा होगा देश और दुनिया के लिए। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः डॉक्टर जगदीश गांधी जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से जुड़े हुए सभी प्रबंध समिति से जुड़े हुए और स्कूल की व्यवस्था से जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से साधुवाद देता हूं। इन बच्चों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की इस प्राचीन विधा को वे वहां बखूबी प्रदर्शित करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन प्रेसिडेंट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे।